मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। कि मुसलमान खवातीन हिजाब में है, ये खवातीन पे इस्लाम जुल्म कर रही है। क्यों? क्योंकि हिजाब में है। दूसरी ओर हम देखते क्रिश्चियन नन, क्रिश्चियन सिस्टर्स, वो भी हिजाब में, उसका भी सर ढका हुआ है, लेकिन कहती अरे वाह ये खवातीन कितनी मॉडेस्ट है, माशाल्लाह कितना पर्दा करती है यार। तो मुसलमान अगर पर्दा करती है, हिजाब करती है, तो कहा जाता है ये खवातीन पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन सिस्टर्स नन जब पर्दा करती है तो कहा जाता है कि दे आर मॉडेस्ट। मुसलमान जब दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते, कहा जाता है दहशतगर्द, ये दाढ़ी वाला टोपी वाला दहशतगर्द। जब सिख दाढ़ी रखते हैं और फेटा बांधते हैं, कहा जाता है वाह क्या मजहबी इंसान है, अपने मजहब का पालन कर रहा है। मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी पहनता है, दहशतगर्द। सिख दाढ़ी रखता है, फेटा बांधता है, मजहबी इंसान। डबल स्टैंडर्ड्स, ढोकलेपना। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, आपको हिजाब के बारे में जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू धर्म की किताबों में भी वैसा लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 33 मंत्रा नंबर 19 में लिखा है, ए औरत, ब्रह्मा ने तुझे औरत बनाया है, इसीलिए नजर को नीची करो और जो आपके कपड़े जिस्म को छुपा रहा है वो जिस्म का हिस्सा मत दिखाओ। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 10 पाठ नंबर 85 मंत्रा नंबर 30 में, आदमी औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महावीर चरित्र पाठ नंबर 2 सफा नंबर 71 में लिखा है, श्री राम कहते हैं अपनी बीवी श्रीमती सीता से, जब पशुराम को देखते हैं, श्री राम श्रीमती सीता से कहते हैं, पशुराम अपने बुजुर्ग है, आप नजर नीचे करो और पल्लों को सिर पे ढाको, पुट द वेल, वेल योर सेल्फ एंड लो योर गेज। जब हम पुरानी किताब पढ़ते हैं कॉइन एज के बारे में, सिक्के के बारे में, कॉइन के बारे में ऑफ गुप्ता एज, इसमें कई फोटो है जिस पे दिखाया गया है कि पुराने जमाने में सिक्कों पे औरतों के फोटो होते थे और कई हिंदुस्तानी औरत, इस भारत देश के औरतें अपना सिर पल्लों से ढकते थे और ये वेल और ये पल्लो कई बार कोनी तक आता था। आज की तारीख में भी, आज भी अगर आप जाएंगे कई गांव में, औरतें सिर को पल्लों से ढकते हैं जिस तरीके से इस्लाम में लिखा है। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली में, दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे दो जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, दो जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे, एक जुड़वा बहन पहनी हुई इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स, जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा, और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे किनारे पे
एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए। मेरा ये सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहते जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर वन पे नहीं है लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713 यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं, 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई ख्वातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वीर उसके दिमाग में आया उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए, उसके बाद ख्वातीन सारा जिस्म ढके, उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एलके अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एलके अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए, और मैं उनके इस बात पे सहमत हूं। बाकी बात से शायद सहमत नहीं हूं, बट इस बात पे तो सहमत हूं। और इंशाल्लाह जो अगले होम मिनिस्टर आएंगे वो ये कहेंगे कि ख्वातीन को हिजाब भी पहनना पड़ेगा इंशाल्लाह।